Hello, welcome back to my channel. Today we are discuss the Michaelis Menten equation. Michaelis Menten equation बहुत ज़्यादा important है आपके exam point of view के लिए. ये आपका enzyme का सबसे important topic जिसको बोलते हैं ना वो है, ठीक है. यहाँ से आपको questions बहुत मिलने वाले हैं Michaelis Menten equation से exam के अंदर. तो Michaelis Menten equation होती क्या है? पहले तो हमें इसका motive पता होना चाहिए कि ये बनाई क्यों गई थी, ठीक है. Michaelis Menten equation क्या करती है? Describe करती है relationship between reaction velocity and substrate concentration. यानी कि हमारी जो reaction velocity है, यानी कि हमारा जो rate है और हमारे substrate की concentration के बीच में क्या relationship है, okay? तो जो हमारी Michaelis Menten equation है वो कैसे generate हुई थी? हुआ क्या था कि जब हमारे Michaelis और Menten थे, वो study कर रहे थे reaction ऑफ एंजाइम इन्वर्टीज, ठीक है, जो कि हाइड्रोलाइज करते हैं शुक्रोज को. शुक्रोज क्या होती है? एक डाइसेक्राइड है. वो किसको डाइसेक्राइड्स को हम किसके अंदर ब्रेक डाउन करते हैं? मोनोसेक्राइड्स के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं. तो शुक्रोज किसके अंदर हमारे कन्वर्ट होगी? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर, ठीक है. तो उसी के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, ये रिएक्शन दिया. जब वो इन्वर्टीज एंजाइम के ऊपर काम कर रहे थे, उस शुक्रोज का उन्होंने क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस कराया फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज के अंदर, ओके. उस टाइम पे इन्होंने ये रिएक्शन दी कि इस रिएक्शन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, मिसेस जो हमारी रिलेशनशिप होती है बिटवीन रिएक्शन वेलोसिटी एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, वो मेज़र करेंगे. और उसके बाद उन्होंने जब ग्राफ दिया था, उसके थ्रू उन्होंने रेट यानी कि वेलोसिटी को मेज़र करना भी बताया था, ठीक है. तो उनकी जो है, पहले सबसे पहले जो उनकी रिएक्शन आई थी वो क्या थी, ये वाली थी. तो इसमें उन्होंने देखा क्या कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, यहाँ पे जो हमारा सबस्ट्रेट था वो क्या था, शुक्रोज था. उसको इन्होंने क्या किया, रिएक्शन रेट चलवाया उसका. तो जब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कंबाइन हुए तो इन्होंने क्या फॉर्म किया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया. तो यहाँ पे हमने इस रिएक्शन को क्या बोला है, फॉरवर्ड रिएक्शन को K1, ओके. फिर क्या हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट जब हमारा फॉर्म हो जाता है, उसके बाद हमारा फॉर्म होता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट. क्योंकि जब भी हमारा प्रोडक्ट बनता है तो जो हमारा एंजाइम है वो हमारे प्रोडक्ट से अलग हो जाता है, ठीक है. वो प्रोडक्ट के साथ नहीं रहता है. जैसे ही हमारा एंजाइम सब्सट्रेट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट के अंदर, तो हमारा जो एंजाइम है वो फ्री आउट हो जाएगा इस रिएक्शन से. अब यहाँ पे जो K-1 है वो क्या बताता है, कि जो हमारा एंजाइम सब्सट्रेट है ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है एंजाइम प्लस सब्सट्रेट के अंदर. यहाँ पे ब्रेक डाउन हो सकता है, लेकिन अगर एंजाइम प्लस सब्सट्रेट से प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद ये रिवर्स नहीं आ सकता है. प्रोडक्ट दोबारा से आपका एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता है, ओके. तो हमारा K1 क्या हुआ, रेट कांस्टेंट फॉर्मेशन फॉर एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स. यहाँ से हमारा देख रिएक्शन देख के भी आप बता सकते हो कि जो हमारा K1 है वो क्या कर रहा है, एंजाइम सब्सट्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है. K2 हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है. और हमारा K-1 क्या कर रहा है, डिसोसिएशन कर रहा है, यानी कि रिवर्स रिएक्शन चला रहा है हमारी एंजाइम सब्सट्रेट टू एंजाइम प्लस सब्सट्रेट के अंदर, ओके. अब इसके बाद आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा ग्राफ, कि कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किया गया इस रिएक्शन का. अब ये हमारा Michaelis Menten इक्वेशन ग्राफ है. इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना, इसके एक एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. अब हुआ क्या था, जो उन्होंने रेट ऑफ रिएक्शन जब उन्होंने देखा था कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट को इनक्रीज करते हैं, ऐसे ऐसे जो हमारी वेलोसिटी है यानी कि हमारा जो रेट है वो इनक्रीज करता है, ओके. लेकिन वी मैक्स एक ऐसी वेलोसिटी है जो कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जब हमारी बहुत ज़्यादा हो जाती है उसके ऊपर ये इंडिपेंडेंट हो जाती है. मतलब कि जो हमारी मेनली क्या है कि हमारा वेलोसिटी इंक्रीज करेगी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के बाद, ओके. लेकिन वी मैक्स क्या है हमारी, यानी कि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, कि इसके बाद कोई भी रेट ऑफ जो हमारी वेलोसिटी है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा. ये एक मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसके बाद आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा वेलोसिटी के अंदर, ओके.
बाय इंक्रीजिंग, चाहे आप यहाँ पे कितना ही सबस्ट्रेट इंक्रीज कर दो, लेकिन वी मैक्स अगर वैल्यू आ गई उसके बाद आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा वेलोसिटी के अंदर. ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में क्या कहा गया कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट इंक्रीज करेंगे ऐसे ऐसे जो हमारी वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगी, लेकिन अगर हमारी वी मैक्स वैल्यू आ गई तो चाहे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी ही बढ़ा दो, जो हमारा वी मैक्स है वो चेंज नहीं होगा. ओके, वी मैक्स वाली जो वैल्यू है वो कैसे आती है, होता क्या है कि जो हमारा एंजाइम है उसके पास कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं. ठीक है, हर एंजाइम के पास एक्टिव साइट्स होती है, यहाँ पे आकर के हमारे सबस्ट्रेट बाइंड होते हैं. तो जैसे ही हमारे जो जितने भी एंजाइम की सारी एक्टिव साइट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, फिल हो जाती हैं सबस्ट्रेट के साथ, उस टाइम पे हमें कौन सी वैल्यू मिलती है, वी मैक्स. ओके, अब अगर हमारे एंजाइम के पास कोई भी एक्टिव साइट नहीं रहेगी तो हमारे एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट कैसे बाइंड होगा. ठीक है, जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म होगा और हमारा प्रोडक्ट आगे फॉर्म नहीं होगा. ये रीज़न है हमारा वी मैक्स पे क्यों हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है या जो हमारी वेलोसिटी है वो इंक्रीज नहीं होती है. इसलिए यहाँ पे हमारा जो प्लेटो फॉर्म हो रहा है ये, इसको हम जीरो ऑर्डर बोलते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट रहता है हमारे रेट ऑफ इंडिपेंडेंट रहता है हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर. ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई कैटलिस्ट डाल दें तो क्या होता है, हमारा जो ज़ीरो ऑर्डर है वो इन उसके अंदर चेंज आने लगता है. ठीक है, यानी कि उसकी जो रिएक्शन है उसके अंदर आपको चेंज मिलेगा एज द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट, कुछ कैटलिस्ट क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो कि डिक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को. ओके, आपको समझ में आ गया वी मैक्स किसको बोलते हैं. अब बात करते हैं Km की, कि जो हमारा Km है इसका क्या काम है, और उसको मिसेल्स मेंटन कॉन्स्टेंट भी बोला जाता है. Km क्या होता है कि एक ऐसी कंसंट्रेशन होती है हमारे सबस्ट्रेट की जहाँ पे जो हमारी वी मैक्स वेलोसिटी है वो हाफ हो जाती है. ठीक है, मतलब कि जो हमारे एंजाइम है उसकी जो एक्टिव साइट्स है वो हाफ फिल्ड हो चुकी हैं, उस टाइम पे हमें मिलता है Km. तो इसको हम मिसेल्स कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, और Km इक्वल टू होता है हमारा वी मैक्स बाय टू. ओके, Km हमें क्यों मिलता है, Km हमारी क्या होती है, Km इज़ दी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट विच रिएक्शन वेलोसिटी रीचेस हाफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी. जब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ हमें मिलने लगती है रिएक्शन वेलोसिटी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, Km बोलते हैं. ओके, इसको मिसेल्स मेंटन कॉन्स्टेंट बोला जाता है. यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं कि मिसेल्स मेंटन कॉन्स्टेंट होता क्या है, कि मिसेल्स मेंटन कॉन्स्टेंट को आप निकाल के दिखाओ. ठीक है, Km की वैल्यू क्या होगी, आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे देंगे, वी दे देंगे, वी मैक्स दे देंगे, और पूछ लेंगे कि Km क्या होगा. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं. अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा हुआ है. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमने बात भी की थी कि जैसे जैसे हमारा सबस्ट्रेट बढ़ता है ऐसे ऐसे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है, वो होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, और ये जो पूरा ग्राफ है ये क्या है, हाइपरबोलिक ग्राफ होता है, जो कि रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को दर्शाता है. ठीक है, तो ये थी हमारी मिसेल्स मेंटन इक्वेशन. अभी इसका जो मेन पॉइंट है वो भी रहता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी है मिसेल्स मेंटन इक्वेशन का, वो भी अभी डिस्कस करने वाले हैं. अब सबसे पहले हम Km के बारे में जान लेते हैं. Km के बारे में हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े, कि ये क्या होता है, मिसेल्स कॉन्स्टेंट होता है. ठीक है, इसको हम मिचेलिस कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, और ये क्या होती है, हमारी Km इक्वल टू हमारा वी मैक्स बाय टू होता है, यानी कि हमारी जब रिएक्शन वेलोसिटी रीचेस टू हाफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड Km, यानी कि मिचेल्स कॉन्स्टेंट. अब Km के बारे में एक चीज़ और है कि इट इज़ ए रेशो ऑफ कॉन्स्टेंट k-1 plus k2 बाय k1, यानी कि जो हमारा आपने एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट के अंदर पढ़ा था ना, एंजाइम सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, यहाँ पे हमारा k1 k2 एंड k-1 फॉर्म हो रहा था. ठीक है, तो
ये जो हमारे केस की वैल्यू है, यानी कि जो कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं, ये क्या होता है, इनका रेशो होता है, के एम इक्वल टू होता है हमारा, इट इज़ द रेशो ऑफ के माइनस वन प्लस के टू बाई के वन. ओके, तो के एम को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो मोल ऑफ सबस्ट्रेट पर लीटर के अंदर करते हैं. ठीक है, यानी कि मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट पर लीटर के अंदर हम किसको डिटरमाइन करते हैं, किसको एक्सप्रेस करते हैं, के एम को. के एम के बारे में एक बात और है कि अगर हमारा के एम कम हो तो जो हमारी रिएक्शन, जो अफिनिटी है हमारे एंजाइम एंड सबस्ट्रेट की, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी. ठीक है, यानी कि एफिनिटी ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इज़ इंक्रीज. एफिनिटी कैसे इंक्रीज़ हो रही है, के एम के डिक्रीज होने पे, क्योंकि के एम हमारा क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ होता है, यानी कि जब हमारे जो एंजाइम की एक्टिव साइट्स हैं वो हाफ फिल्ड हो चुकी होती है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, के एम बोल रहे हैं. तो अगर वो हमारी कम होगी तो यानी कि हमारी जो एफिनिटी है एंजाइम सबस्ट्रेट की वो ज़्यादा है, वो उतना ज़्यादा ही हमारा अच्छे से रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर रहा है. ठीक है, यानी कि उसकी जो एफिनिटी है वो, यानी कि एफिनिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि उसकी जो के एम वैल्यू है वो अभी कम है, यानी कि जो उसकी एक्टिव साइट्स हैं वो अभी इतनी ज़्यादा फिल नहीं हुई है. ओके, तो ये रहा हमारा के एम के बारे में. अब बात करते हैं मिसल्स मेंटन, जो हमारा रिएक्शन है उसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसके बारे में बात करते हैं. ओके, फिर उसके उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. तो जिसका हमें इंतज़ार था इतनी देर से, इस रिएक्शन का, जहाँ से हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, वो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू वी मैक्स ऑफ सबस्ट्रेट के एम प्लस सबस्ट्रेट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू वी मैक्स एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के एम प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. ओके, इस इक्वेशन को आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड के अंदर बिठा लेना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे. अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं. और अब क्या है, तीन हमारे पॉइंट्स थे कि अगर हमारे के एम ज़्यादा हो एज़ कंपेरिजन टू सबस्ट्रेट, तो क्या होगी, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होगी, हमारे सबस्ट्रेट के प्रोपोर्शनल होगी. ठीक है, यानी कि अगर हमारा के एम ज़्यादा है तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल होगी हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर. ओके, फिर उसके बाद हमारा आता है सेकंड, अगर हमारा सबस्ट्रेट ज़्यादा है तो हमारे जो के एम से हमारा जो सबस्ट्रेट ज़्यादा है तो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो वी इक्वल टू वी मैक्स के इक्वल हो जाएगी. ओके, थर्ड है हमारा, अगर हमारा सबस्ट्रेट इक्वल हो के एम के, जो हमारा सबस्ट्रेट है वो इक्वल है के एम के, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वी मैक्स बाय टू मिलेगी. ओके, तो ये था आपका पूरा मिसल्स मेंटन इक्वेशन. इसको आपको अच्छे से याद रखना है. इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एजम्पशंस ऑफ मिसल्स मेंटन इक्वेशन, यानी कि इसको बनाने के लिए तीन एजम्पशंस रखे गए थे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. फिर हम लाइन वीबर प्लॉट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तो स्टे ट्यून फॉर दैट. बट अभी क्वेश्चन सोल्व करना है तो अभी रुक के जाना. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिसल्स मेंटन काइनेटिक्स मतलब दे रखी है हमें विद पैरामीटर्स. वी मैक्स आपको इतना दे रखा है 5 mmol/s, के एम आपको 2.5 दे रखा है, आपको इनिशियल वेलोसिटी यानी कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ग्राफ बनाना होता है कि आप सबसे पहले ग्राफ प्लॉट कर लो कि मिसल्स मेंटन इक्वेशन कहती क्या है, ये आपको पहले पता होना चाहिए. तो मिसल्स मेंटन इक्वेशन का कहना क्या है कि जो हमारी के एम वैल्यू है वो क्या होती है, वी मैक्स के हाफ होती है. ठीक है, यानी कि जो हमारा ये वी मैक्स है इसके हाफ जो होगी हमारी के एम होगी. ठीक है, यानी कि वी मैक्स बाय टू वो क्या होगी, हमारी के एम होगी. ओके, अब क्वेश्चन के अंदर वी मैक्स जो दे रखा है हमें 5 दे रखा है और के एम हमें दे रखा है 2.5. ओके, ये हमारा सबस्ट्रेट है. तो आपने देखा होगा इस ग्राफ के अंदर कि वी मैक्स आपको कितना मिला हुआ है, 5 मिला हुआ है और के एम आपको 2.5 दे रखा है. आप डायरेक्ट ऑप्शंस पे आ जाओ, आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है. पहला ऑप्शन है कि 2.5 मिली
मोलर पर सेकेंड एट ऑल सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन. क्या ऐसा हो सकता है कि हर सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन पे आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2.5 आए? नहीं हो सकता ना, क्योंकि वी मैक्स हमारी क्या होती है, जब हमारे जो एंजाइम्स है वो हाफ फिल्ड हो जाते हैं हमारे सबस्ट्रेट के साथ, ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं, के एम बोलते हैं. के एम इक्वल टू वी मैक्स बाय 2. तो कभी भी जो हमारी वेलोसिटी है वो इक्वल नहीं हो सकती 2.5 के. ओके, क्यों नहीं हो सकती हर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे? क्योंकि जैसे जैसे हमारी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, ऐसे ऐसे हमारी रिएक्शन वेलोसिटी भी इंक्रीज करती है. देन हम बात करते हैं कि इक्वल टू हो सकती है वी मैक्स के. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती है बाय इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. वी मैक्स के बाद तो आपको कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं. थर्ड है आपका कि 1.67 मिलीमोलर पर सेकेंड एट 1.25 मिलीमोलर. ये आपका ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो, जैसे आपका जो के एम है वो 2.5 है. ओके, तो यहाँ पे हमारे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी कम है और उसके आपके रिएक्शन वेलोसिटी भी कम है, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एन सबस्ट्रेट. ओके, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जिसमें जो हमारे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन दे रखी है वो भी कम है और हमारे जो रेट ऑफ रिएक्शन वेलोसिटी है यानी कि वो भी हमारी वी मैक्स से कम है. ओके, फिर उसके बाद आता है आपका फोर्थ ऑप्शन 5 मिलीमोलर पर सेकेंड. 5 मिलीमोलर तो हो ही नहीं सकता है किसी भी हाल में 2.5 मिलीमोलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे, क्योंकि के एम ही हमारा 2.5 मिलीमोलर आ रहा है. तो इस जब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तब जाके हमारी वी मैक्स वैल्यू मिलेगी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी. ओके, ये क्वेश्चन आपके डीबीटी एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था. तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ग्राफ के थ्रू सोल्व करना है. बस आपको पता होना चाहिए वी मैक्स क्या होता है, के एम क्या होता है, आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, वो भी अभी डिस्कस करते हैं. सेकेंड है, ये भी आपका डीबीटी एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है. इसके अंदर क्या है कि मिसेस मेंटन काइनेटिक इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ वेलोसिटी एट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दिस, यानी कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन वेलोसिटी निकालना है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी निकालना है. जिसको मिसेस मेंटन इक्वेशन का फॉर्मूला याद होगा वो इजीली इस क्वेश्चन को कर लेगा. तो वी इक्वल टू हमारा क्या होता है, वी मैक्स सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अपॉन के एम प्लस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन. सबस्ट्रेट हमें दे रखा है के एम बाय 3. ओके, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, कि इंटू के एम बाय 3 बाय के एम प्लस, बस आपने सबस्ट्रेट की वैल्यू को पुट कर दिया. ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आएगा आपका वी मैक्स बाय 4. ओके, सोल्व कर लेना, इजी है. बस आपको ये क्या है, यहाँ पे आपका एलसीएम लिया जाएगा, फिर एलसीएम लेने के बाद आपका जो पूरा कटआउट हो गया पूरा के एम से के एम कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा वी मैक्स बाय 4. ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. जिसके फॉर्मूला याद नहीं होगा वो क्वेश्चन ही नहीं सोल्व कर पाया होगा, उसके मार्क्स ऐसे ही गए होंगे. ठीक है, तो अगर आपको लेसन्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि इससे आपका भी फ़ायदा होने वाला है. इस वीडियो के थ्रू आप भी इतना सब कुछ सीख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को. एंड थैंक यू टू ऑल.